हम लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम का डेमो देखेंगे कि कैसा ये चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले, तो इसका दो सेक्शन है, एक है सर्वर सेक्शन और दूसरा है क्लाइंट सेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्लाइंट सेक्शन को ऑन कर लेते हैं, सॉरी सर्वर सेक्शन को ऑन कर लेते हैं। तो ये रहा आपका सर्वर, लोकल होस्ट, ऐसा ये लोकल होस्ट पर भी चल रहा है। तो हम पहले ड्राइव मैनेजर ऑन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लेना है, लोकल होस्ट ड्राइव मैनेजर, ये एक इसका पासवर्ड है जो हम लोगों को अभी इसको देना है पासवर्ड। तो पासवर्ड हम लोग दे ले रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग इसको लॉग इन कर देते हैं। ये अब लॉग इन हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें जिस पर्टिकुलर बंदा का एग्जाम कराना है, उसका मुझे क्या करना है, सबसे पहले नेम एंड रोल नंबर एंटर कर देना है। ये सर्वर साइट पे अभी ये काम चलेगा। ठीक है, तो मैं किसी का भी एक नाम ले लेता हूँ, जैसे कि मुझे लेना है, ले लेते कि एक्स वाई जेड कोई पर्टिकुलर बंदा है, या फिर जॉन नाम हो उसका, जॉन ऐसा बोल के। ठीक है, जॉन, तो ये नाम उसका आ गया। और रोल नंबर, ये ध्यान रखे, रोल नंबर यहाँ से इसके अकॉर्डिंग देंगे। तो रोल नंबर इसमें अभी 6 जाना चाहिए था, तो इसे मैं 6 देता हूँ। और इसका मैं इमेज भी हम क्या करूँगा, मैं लूँगा कि इसका इमेज क्या है एक्चुअली। ठीक है, इसका इमेज मान के चले कि हम लोग इसका इमेज ये वाला ले ले रहे हैं, है ना, नहीं तो कोई अच्छा सा इमेज ही ले लेते। चले तो इमेज ये चलते हैं, और इमेज के फोल्डर में चलेंगे हम लोग, आई थिंक तो मिल जाएगा इमेज। चले फोटो में, और ये आप लोग इधर देख पाए कि शायद जो कोई भी एक इमेज होगा, हाँ चलिए इसी इमेज को हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। ये इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगा अभी। अब इस इमेज को हम लोग रजिस्टर करते हैं। देखिए जी, रजिस्टर पे क्लिक किया तो ये इमेज, ये जो पूरा इसका रिकॉर्ड है, ये ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो गया यहाँ पे। अब देखिए, और इसके लिए ये जॉन के लिए देखे कि सिस्टम नंबर भी इसने असाइन कर दिया, उसका ये यूज़र आईडी भी क्रिएट हो गया और उसका पासवर्ड भी क्रिएट हो गया। अब उस पर्टिकुलर बंदा को ये तीन चीज़ हम लोग देंगे, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, एक नोटपैड में रख लेते हैं। ठीक है, नोटपैड ऑन करके इन तीनों चीज़ों को रख लिया, एक तो सिस्टम नंबर है, दूसरा यूज़र आईडी है, और तीसरा पासवर्ड है। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखें कि हमारे पास स्टूडेंट का लिस्ट कितना है। अगर हमें स्टूडेंट का लिस्ट देखना है, यहाँ पे अगर कंप्लीट नज़र नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्टूडेंट का लिस्ट आपको नज़र आएगा। तो स्टूडेंट का लिस्ट यहाँ पे देख रहा है, स्टूडेंट समरी पैनल, इसमें क्या हो रहा है कि आपको ये दिख रहा है कि किस पर्टिकुलर बंदा ने कितना, अगर किसी कोई अपना पासवर्ड भूल जा रहा है तो आप यहाँ से भी उसको पासवर्ड दे सकते हैं। ठीक है, और अटेम्प्टेड उसने कितना C++ का कितना किया है, अटेम्प्ट सेट का, ये मार्क्स ओरिजिनली रीड नहीं करके बताता यहाँ पे, उसने कितना क्वेश्चन, ये अभी जॉन का देखे, जॉन ने अभी अपना एग्जाम स्टार्ट भी नहीं किया है, तो उसका सारा कितना दिख रहा है, 0-0, टोटल अटेम्प्टेड कितना है, 0। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसके सॉरी तो इसके अभी हम लोग क्लाइंट पैनल से हम लोग इसका लॉगिन करेंगे और इसके क्वेश्चन को भी बनाएंगे। तो जैसे ही हम बनाएंगे, आप लोग देखेंगे यहाँ पे अटेम्प्टेड क्वेश्चन दिखेगा, हम लोग चारों में से एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट, तो ये रिजल्ट देखने के पहले, यानी जो पर्टिकुलर ऑपरेटर होगा वहां पे बैठा होगा, उसको अथॉरिटी नहीं है रिजल्ट देखने का। ठीक है, रिजल्ट वही पर्टिकुलर बंदा देख पाएगा जिसके पास ये रिजल्ट पैनल का यूजर पासवर्ड होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ और इसको मैं सबमिट करता हूँ। तो अब देखें कि ये अभी ओपन हो गया है। अभी देखिए, जॉन ने कुछ भी नहीं बनाया है तो उसको 0-0 मार्क्स मिला है, यानी पेपर में इस CPP में कितना था, SAT में कितना था, DS में कितना था, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में कितना मार्क्स था, ये दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपली लॉग आउट कर लेते हैं। अब ये लॉग आउट तो हो चुका है। ठीक है, लॉग आउट हो गया, आपको अभी कोई भी मेनू नज़र नहीं आ रहा है, आपको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा आपको कुछ भी देखने के लिए। तो मैंने इसको कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, क्लाइंट में चलते हैं, क्लाइंट के साइट को ओपन करते हैं जिसमें हम लोग लॉग इन करेंगे इसके यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से। ये देखें, ये तो पहले एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड है, यहाँ का जो भी वहाँ पे LF या जो कोई भी होंगे जो एग्ज़ाम को मॉनिटर कर रहे होंगे, वो अपना यूज़र आईडी पासवर्ड पहले सॉरी पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। तो ये पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया जा रहा है, उसके बाद ही ये चलेंगे। ठीक है, तो ये लॉग इन कर दिया हमने। अब देखिए, दो आपके पास ऑप्शन है, अगर उसे आप
सिस्टम नंबर के जरिए अगर उसे कराना चाहते हैं तो आप सिस्टम नंबर दे दें इधर, सिस्टम नंबर उस पर्टिकुलर बंदा का आप देख सकते हैं कि सिस्टम नंबर क्या था उसका, C06। अगर आप यूजर आईडी पासवर्ड अगर नहीं डालना चाहते तो आप डायरेक्टली क्या दे सकते हैं, सिस्टम नंबर। सिस्टम नंबर से भी उसका नाम वगैरह सब कुछ आ जाता है। मैं दोनों से करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए आपका सिस्टम नंबर यहाँ चला गया, ठीक है। सिस्टम नंबर यहाँ पे आप देते हैं तो अब जैसे सिस्टम नंबर दे के लॉन्च करते हैं आप, तो देखें कि वो क्या करेगा, उसका नाम, उसका इमेज, वो सब कुछ लेके इधर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉन उसका नाम था जी कैंडिडेट का, ये देखिए जी उसका इमेज है, इमेज आ गया। आप देख सकते हैं कि और अगर किसी वजह से गलती से किसी और का यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज वगैरह करने का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पे माउस ओवर करके क्लिक हियर इफ नेम एंड फोटोग्राफ शोन ऑन द स्क्रीन इज नॉट योर्स, अगर ये आपका नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करके नीचे जा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जॉन का ही देखिए, ये यही यूजर आईडी आया है जो कि एक्चुअली आपको अभी वो नोटपैड में मिल रहा है। आप इसको मिला ले यूजर आईडी को, देखिए BCA63606C0 आ रहा है, यानी कि वही बंदा है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे एक और अच्छा फैसिलिटी ये दिया गया है कि अगर आपका कीबोर्ड का पैनल, कीबोर्ड एक्चुअली किसी वजह से एक दो की वर्क नहीं कर रहा है, तो आप इसका वर्चुअल की का यूज कर सकते हैं। वर्चुअल की का इजीली यूज यहाँ पे करके आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो यूजर आईडी पासवर्ड है, ठीक है। कई एग्जाम में ऐसा होता है कि कीवर्ड बिल्कुल से काम ही नहीं करता, तो आप वर्चुअल की के मदद से उस पर काम करेंगे, तो ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इसके अंदर ये फैसिलिटी दे के रखा है। तो आप ऐसा तो देख लिए, अभी ये क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन हो करना है, तो मैं लॉगिन तो यहाँ पे अभी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और दिखाना है कि अगर मैं यूजर आईडी पासवर्ड से डायरेक्टली आना चाहता हूँ तो क्या करेंगे। आप बिना सिस्टम नंबर डाले क्या कर दीजिए, लॉन्च कर दीजिए। जैसे ही आप बिना सिस्टम नंबर डाले लॉन्च करेंगे, आपका क्या होगा, यूजर आईडी पासवर्ड वाला पैनल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड, अब देखिए इसमें दोनों के लिए आपका वर्चुअल कीबोर्ड है, आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जितना बड़ा करना चाहते हैं बड़ा करें, इसको छोटा करना चाहे छोटा कर सके, ये इसका लास्ट लिमिट है, इससे ज़्यादा आप बड़ा नहीं कर सकते कीबोर्ड को, ठीक है। तो दोनों में आप लिख सकते हैं, जैसे कि उसका यूजर आईडी क्या था जी, हमें यूजर आईडी यहाँ पे देना है उसका, तो मैं यूजर आईडी भी कॉपी करता हूँ और मैं पासवर्ड भी कॉपी करूंगा और मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या होता है कि नहीं, लॉगिन देख लिया क्या, और इसे कर ले हम लोग ने साइन इन। तो आप देखें ये प्लीज वेट आया, ये आपका इंस्ट्रक्शन सीट आ गया जी, इंस्ट्रक्शन सीट आ गया। अगर आप वहां से भी लॉगिन करते सिस्टम नंबर से जो हम लोगों ने लॉन्च किया था, अगर आप वहां से भी लॉगिन करते तो ये आपका इंस्ट्रक्शन सीट आता। अब ये इंस्ट्रक्शन सीट को आपको पहले केयरफुली पढ़ लेना है, तो आप ये इंस्ट्रक्शन सीट पढ़ लेंगे तो आपको एक टाइम दिया जाएगा कि इतना टाइम से पहले आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं होगा या ये होगा। तो आप जैसे ही टाइम आपको मिल गया तो आप स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे, तो आपका एग्जाम क्या होने लगेगा, स्टार्ट होने लगेगा। अब देखें जी एग्जाम पे मैंने क्लिक किया तो अभी ये वेट करने बोल रहा है, तो ये ऑटोमेटिक हमें एग्जाम पैनल पे लेके चलाया। अब देखें अगर आपका इमेज यहाँ पे छोटा नजर आ रहा है तो आप इसमें माउस ओवर करेंगे तो आपका ये इमेज बड़ा भी होके दिखेगा, सो दैट कि आप कन्फर्म कर पाए कि आपका ही इमेज है या और किसी का है ये, करेक्ट। ये देखिए आपका टाइम जो दिया गया था 100 मिनट्स इधर चल रहा है, या आपका नाम यहाँ पे शो हो रहा है। आप अभी C++ का पेपर देख रहे हैं, आपको आपके ऊपर में 50 क्वेश्चंस है, ठीक है, क्लियर करने के लिए रिस्पांस और ये सेव करने के लिए, ये सेव भी कर देगा रिस्पांस को और नेक्स्ट भी करके चला जाएगा। ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 पे है, अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 15 पे जाना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है, ठीक है। डायरेक्टली अगर क्वेश्चन नंबर 15 पे जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जाके यहाँ पे देखिए, ये दिखाता है कि नॉट आंसर्ड, आपने इस आंसर को बनाया नहीं, ठीक है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो अभी जब आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये एक तरह का कितना नंबर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो अभी 15 आ गया, 14 आ गया, जिस पे भी जाना चाहते हैं आप इजीली जा सकते हैं। तो मैं एक नंबर क्वेश्चन पे हूँ अभी, इसको कोई को एक बना देते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन है, एन ओल्ड क्लास दैट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ओल्ड क्लास इज कॉल्ड, एक ओल्ड क्लास है जो इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी को किसके, तो इसमें लगा ले, कोई एक ऑप्शन आप लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, मैंने इसे लगा दिया है, ठीक है। तो एक ऑप्शन लगाया, ये देखिए ये क्वेश्चन, ये अभी विजिटिंग है, विजिटिंग नॉट आंसर, इसके आपने नहीं बनाया है और ना ही आपका ये अभी तो खुला हुआ है, बट इसे आपने बनाया नहीं है, नहीं बनाया है तो इसीलिए अभी आपका क्या शो कर रहा है, विजिटिंग बट नॉट आंसर्ड, आपने इसे बना लिया है, देखिए इसे आंसर्ड शो करेगा, ठीक है, ये नॉट आंसर्ड में ये दिखेगा। बट अब आप इसे ऑन करेंगे तो देखिए ये रिस्पॉन्स जो आपने लगाया था, ये बेस सब क्लास या जो कुछ भी है लगाया था, इसमें देखें ये आपका अभी विजिटिंग और आंसर्ड दिखा रहा है,
तो ये टाइटल शो करेंगे, इससे आप पता कर सकते हैं। अभी आप सी प्लस प्लस देख रहे थे, अब आ जाइए, अगर आप चाहते हैं कि हम डायरेक्टली अभी इन सबको नहीं बनाना चाहते, किसी पहले हम कंप्यूटर नेटवर्क को बनाना चाहते थे, तो आप डायरेक्टली कंप्यूटर नेटवर्क पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। ये देखिए कि कंप्यूटर नेटवर्क का 50 क्वेश्चन आपको नीचे में नजर आ रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना। डीएस में चले जाएं, जिधर जाएंगे अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज वन इंडेड है ना, अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज वन इंडेड इज, तो एंड करता है तो क्या होगा नहीं होगा, ये एक आप क्वेश्चन कुछ भी इसमें से आंसर लगा सकते हैं। कुछ भी लगा लीजिए इसमें से, कुछ भी आप जो कुछ भी लगा ले यहाँ से, देखिए इस पे भी आप इस पे भी क्लिक करके आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए लगा दिया हमने। देखिए याद रखिए कि डीएस में कितने क्वेश्चन बना है, कोई भी क्वेश्चन आप बना दे कहीं पे। ये कह रहा है कि कौन सा हायरार्की मैनर में करता है, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं इसमें से, मैं एक क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो जो अगर सही होगा, देखिए जो डीएस में से कितना क्वेश्चन बनाया आपने, दो बनाया। डेटा कम्युनिकेशन में आपने अभी कुछ भी नहीं बनाया, चलो डेटा कम्युनिकेशन में से एक बना देता हूँ, अभी कुछ भी मैंने रिमूव कर दिया। देखिए तो जितना सही बनाइएगा आपको उतना का आंसर मिलेगा। अब देखिए जी साइड में से भी मैं बना देता हूँ। द फर्स्ट स्टेप इन द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज, ये तो क्वेश्चन थोड़ा ऐसा लग रहा है, कुछ भी आप छोड़ दीजिए इसको, हम लोग हम फर्स्ट मार दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट मार दे रहे हैं और सेव कर दे रहे हैं। तो आप जरा यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सब कुछ बन चुका है। एक क्वेश्चन हम लोग किस में से बना लिए, इसमें से। दूसरा क्वेश्चन हम लोग किस में से बना लिए, यानी सब में से हम लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चन बना लिया है। ठीक है, इसमें भी 13 नंबर क्वेश्चन बना चुके हैं। तो ये अब ये आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे ही टाइम खत्म होता है, जैसे ही टाइम ये खत्म होगा, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने देखा, जैसे ही टाइम लेफ्ट होगा, ये 00 टाइम चला जाएगा। जैसे 00 टाइम जाएगा, आपका ये एग्जाम बंद हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ थोड़ा करके कि कैसा आएगा मैं।